और देखिए इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा की गई। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट को जारी किया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राधा मोहन अग्रवाल और संजय बंदी बने हैं नए महामंत्री। रमन सिंह, वसुंधरा राजे बने उपाध्यक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी बनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अरुण सिंह, तरुण चुग राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बने। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, किस तरह से ये जो नई टीम है उसे चयन किया गया है, किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, नई टीम में निश्चित तौर पे राज्यवार कास्ट कॉम्बिनेशन और लोगों के एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और जिस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि दो नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से एक वणिक समाज से राधा मोहन अग्रवाल को जगह दिया गया है। वही संजय बंदी, जो अभी हाल में तेलंगाना के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, उनको जगह दिया गया है। तो ये एक तरह से आपको मैं कहूँ कि राज्यवार क्षेत्र, इसमें क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक बैलेंस देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय, इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा की गई। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट को जारी किया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राधा मोहन अग्रवाल और संजय बंदी बने हैं नए महामंत्री। रमन सिंह, वसुंधरा राजे बने उपाध्यक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी बनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अरुण सिंह, तरुण चुग राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बने। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, किस तरह से ये जो नई टीम है उसे चयन किया गया है, किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, नई टीम में निश्चित तौर पे राज्यवार कास्ट कॉम्बिनेशन और लोगों के एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और जिस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि दो नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से एक वणिक समाज से राधा मोहन अग्रवाल को जगह दिया गया है। वही संजय बंदी, जो अभी हाल में तेलंगाना के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, उनको जगह दिया गया है। तो ये एक तरह से आपको मैं कहूँ कि राज्यवार क्षेत्र, इसमें क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक बैलेंस देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय, इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा की गई। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट को जारी किया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राधा मोहन अग्रवाल और संजय बंदी बने हैं नए महामंत्री। रमन सिंह, वसुंधरा राजे बने उपाध्यक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी बनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और अरुण सिंह, तरुण चुग राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बने। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, किस तरह से ये जो नई टीम है उसे चयन किया गया है, किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, नई टीम में निश्चित तौर पे राज्यवार कास्ट कॉम्बिनेशन और लोगों के एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और जिस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि दो नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से एक वणिक समाज से राधा मोहन अग्रवाल को जगह दिया गया है। वही संजय बंदी, जो अभी हाल में तेलंगाना के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, उनको जगह दिया गया है। तो ये एक तरह से आपको मैं कहूँ कि राज्यवार क्षेत्र, इसमें क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक बैलेंस देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय, इस पूरी जानकारी के लिए।